तुर्की ने रुबेला वायरस का हवाला देकर भारत के 56,887 टन गेहूं की खेप वापस लौटा दी है। यह गेहूं भारत की ITC कंपनी ने जेनेवा की कंपनी को बेचा था, जिससे तुर्की ने खरीद की है। तुर्की द्वारा गुणवत्ता की चिंताओं की वजह से भारतीय गेहूं की खेप को नहीं लेने की खबरों के बीच खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि सरकार ने इस मसले पर तुर्की के अधिकारियों से विवरण मांगा है। उन्होंने कहा कि संबंधित निर्यातक ITC लिमिटेड ने दावा किया है कि 56,887 टन की निर्यात खेप को सभी जरूरी मंजूरियां प्राप्त थी। भारतीय गेहूं को वायरस प्रभावित कह तुर्की खुद भी फंसता दिख रहा है। रुबेला एक मानव जनित रोग है, इसका गेहूं को प्रभावित करने का सवाल ही नहीं उठता है। बीमारी फसलों में पाई ही नहीं जाती, ये आयात करने वाले देशों में कॉरपोरेट प्रतिद्वंदिता के कारण भी हो सकता है। रुबेला जैसी बीमारी के भारतीय गेहूं में होने की बात अचरज पैदा करती है। ऐसी कोई बीमारी भारतीय गेहूं के संदर्भ में ज्ञात नहीं है। भारत सरकार को तुर्की से जांच की पूरी रिपोर्ट मांगनी चाहिए। भारत दुनिया का दूसरा बड़ा निर्यातक भी नहीं है, वह अपनी खपत के लिए ज़्यादातर गेहूं का उपयोग करता है। ऐसे में बीमारी की संभावना ही नहीं है। तुर्की लंबे अरसे से पाकिस्तान को भारत के खिलाफ सपोर्ट कर रहा है। वहीं कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से तुर्की भारत की कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों से मुखालफत कर चुका है। भारतीय गेहूं में रुबेला वायरस के आरोप चिंताजनक हो सकते हैं। रुबेला की चिंताओं पर तुर्की का भारतीय गेहूं को वापस लौटाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग को प्रभावित कर सकता है। इससे देश और विदेश में गेहूं की कीमतों में कमी आ सकती है। रुबेला वायरस या जर्मन खसरा एक संक्रामक वायरल है। यह अक्सर शरीर पर विशिष्ट लाल चकत्ते दिखाता है। इससे संक्रामक रोगियों में कोई खास लक्षण नहीं होते। रुबेला वायरस से संक्रमण 3 से 5 दिनों तक रह सकता है और यह तब फैलता है जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है या नाक और गले से स्राव रहता है। पादप स्वच्छता संबंधी चिंताओं को लेकर तुर्की द्वारा भारतीय गेहूं की खेप को खारिज करने के बारे में पूछे जाने पर सुधांशु पांडे ने कहा कि हमने इस रिपोर्ट की जांच की है। यह ITC द्वारा किया गया निर्यात था और यह गुणवत्ता की सभी जरूरतों को पूरा करता है। कृषि विभाग और कृषि निर्यात संवर्धन निकाय अपीडा इस मुद्दे पर तुर्की के अधिकारियों के संपर्क में है। ये रिपोर्ट मार्केट टाइम्स TV। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।